लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को कई सारी जिम्मेदारियां देती नजर आ रही हैं लेकिन युवा जोशीले नेता आदित्य यादव को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई यादव परिवार में से ही देखा जाए यानी सिफई परिवार में से ही देखा जाए तो छह बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई जिसमें शिवपाल से लेकर धर्मेंद्र तेज प्रताप साथ ही साथ अखिलेश खुद भी शामिल हैं लेकिन इन सब में नाम कहीं नजर नहीं आ रहा आदित्य यादव का तो आदित्य यादव के लिए अब क्या सोच विचार बना रखा है अखिलेश यादव ने जो कि सपा के अध्यक्ष हैं अब परस्पा और सपा का गठबंधन जरूर हुआ लेकिन सपा के अगर खिलाफ देखा तो के कहीं ना कहीं प्रदेश के बड़े एक अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं आदित्य यादव अगर उनकी जिम्मेदारी को घटाकर इस तरफ जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी तो उसके लिए उनको कितना और इंतजार करना होगा क्योंकि युवा जोश आप सबको पता है ज्यादा दिनों तक सब्र नहीं रखता खासकर आदित्य यादव जैसे नेताओं की बात करें लेकिन अब उनके लिए सपा पार्टी ने क्या विचार बना रखा है कि योगी सरकार के खिलाफ इस जोशीले नेता का कैसे इस्तेमाल किया जाए क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए शिवपाल सिंह यादव आज राजनीति कर रहे हैं दस बारह साल तक अगर और करते हैं तो बेहतर रहेगा लेकिन आने वाले तीस से चालीस साल समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आदित्य यादव जैसे बड़े जानना चाहेंगे कि अभी नेताओं को जिम्मेदारी बांटी गई प्रदेश कार्यकारिणी में राष्ट्रीय कहना चाहेंगे लेकिन उसमें आदित्य यादव को जिम्मेदारी नहीं दी गई सब्रे लेकिन उनको कब तक सब्र रखना होगा ताकि उनको कोई जिम्मेदारी मिले वो काम करें और अपने को साबित करें देखिए नॉर्मल सी बात है कि पहले उन्हें अच्छे से काम करना पड़ेगा भले ही यहाँ पर जब मैनपुरी का चुनाव हुआ तो लगातार उन्होंने घर घर जाके प्रचार प्रसार किया था भाभी डिंपल के लिए लेकिन अभी और ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें उनके पास अभी इतना अनुभव नहीं है जितना अखिलेश के पास है शिवपाल के पास क्योंकि अखिलेश के पास भी अनुभव कम है शिवपाल के पास ज़्यादा है और आप यहाँ पर यहाँ पर आप ये देखिए कि शिवपाल सिंह यादव को भी जिम्मेदारी देनी जानी थी यहाँ पर दिसंबर का महीना जनवरी का महीना भी बीत गया उसके बाद यहाँ पर अभी फरवरी की शुरुआत में यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई तो समय का इंतज़ार करना चाहिए और बेहतर ही जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी युवा नेता यहाँ पर आप ये देखिए कि धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव और अक्षय यादव इन लोगों को एक जिम्मेदारी दे दी गई है लेकिन यहां पर आदित्य यादव को शायद इसलिए ही नहीं आगे किया गया क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव सोच रहे कि उन्हें किसी बड़े पद पर आगे किया जाए और खास करके नगर निकाय चुनाव सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं अभी क्योंकि लोकसभा तो अगले साल है तो इसलिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अभी तो यही जानकारी सामने है कि उन्हें भी कार्यकारिणी में कोई बड़ा पद यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया जा सकता है जी लेकिन इसमें जानकारी ऐड करना चाहेंगे जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को महासचिव का पद दिया गया और लोकसभा चुनाव भी उनको लड़ाने की चर्चा हो रही है अगर लोकसभा चुनाव चाचा शिवपाल जीत जाते हैं तो उनकी जो सीट जसवंत नगर की विधानसभा से खाली होगी वहां से ही आदित्य यादव को चुनाव लड़ा दिया जाएगा शिवपाल के नाम पर वो वोट मांगकर जीत सकते हैं आसान से जैसे डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगकर जीत गई थी लेकिन दूसरी तरफ उनको अगर महासचिव का पद भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिवपाल खाली होगा तो वो महासचिव का पद भी उन्हें मिलता नजर आएगा तो ये सारी जानकारियां सामने आ रही थी लेकिन धीरे धीरे जैसा कि इसमें जानकारी एड करी कशिश ने कि नगर निकाय चुनाव में ऐसे ही जोशीले नेताओं का इस्तेमाल होगा क्योंकि नगर निकाय चुनाव होता है घर घर जाकर वोट मांगने से और घर घर जाकर वोट मांगने का काम उन्होंने जसवंत नगर और तमाम बड़ी सीटों पर मैनपुरी चुनाव के दौरान किया था अब देखते हैं कि इस बार आदित्य यादव को लेकर क्या शानदार ऐलान डिम्पल यादव के साथ अखिलेश यादव करते क्योंकि डिम्पल यादव के समर्थन में आदित्य यादव अपने कहीं ना कहीं प्रसपा के कामकाज को छोड़कर भाभी डिम्पल के साथ मैनपुरी गलियों में भटक रहे थे वोट मांग रहे थे और वो वोट मिला भी अच्छा खासा समर्थन उन्हें जसवंत नगर करल और तमाम सीटों से मिला जहां शिवपाल का दबदबा है जहां आदित्य यादव का दबदबा है अब देखते हैं कि बड़ा शानदार पद और क्या रहता है किस तरीके से आदित्य यादव की जिम्मेदारी बढ़ाई जाती है क्योंकि जैसा कि हमने कहा अखिलेश यादव शिवपाल यादव समय के साथ यहां पर इनकी जिम्मेदारियां घटेंगी आदित्य यादव अक्षय यादव ये युवा नेता है जिनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो सोच समझ अभी से इनको जिम्मेदारी देनी होगी ताकि सपा की कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो और अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी को निखार सके बने रे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद